नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। इस सीरीज से चोट की वजह से रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया जा सका है। टीम में उनकी जगह पृथ्वी शॉ को जगह दी गई है। टीम इंडिया के वनडे उपकप्तान रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में चोट लगी थी, इस वजह से वे टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए बाहर हो गए हैं। अब रोहित अपनी चोट से उबरने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में जाएंगे। टी20 सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज बुधवार को हैमिल्टन में हो रहा है। इससे ठीक पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान केन विलियम्स वनडे सीरीज के पहले दो मैचों से बाहर हो गए हैं। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने टीम इंडिया के शेड्यूल पर अपना बयान दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल करने वाले केएल ने कहा है कि टीम इंडिया का टाइट शेड्यूल क्रिकेट में एक चुनौती है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर का कहना मानना है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान में कई समानताएं हैं। मांजरेकर ने साथ ही कहा कि इमरान के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम भले ही हार की कगार पर होती थी, लेकिन वह मैच जीतने के लिए नए रास्ते तलाशती थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।